मधुसूदन, तो आज बात करेंगे एनडीए के एसएसबी की प्रिपरेशन जल्दी शुरू कैसे करें। देखो, जब तक आप ट्वेल्थ में आते हो तब तक बहुत लेट हो जाता है, और उससे पहले बहुत सारे बच्चे सोचते ही नहीं कि एनडीए की प्रिपरेशन की भी कोई रिक्वायरमेंट है। वो सिर्फ रिटर्न की तरफ फोकस करते रहते हैं कि रिटर्न में तैयारी करनी है, यूपीएससी रिटर्न क्लियर करना है, लेकिन एसएसबी में पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होता है कोई ध्यान नहीं। तो आओ आज समझते हैं। देखो, एनडीए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 16 साल की उम्र में आप क्लास वन ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो, और अगर निकाल लेते हो तो ज़िंदगी बन गई आपकी। कोई स्ट्रगल नहीं करना, कोई फैमिली का पैसा खर्च नहीं होना, और आप क्लास वन ऑफिसर बनोगे। रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलेगी, एक सोशल स्टेटस होगा, और देश के लिए कुछ कर पाओगे। बहुत ही प्रेस्टीजियस पोजीशन है ये। अपार्ट फ्रॉम मनी एंड फैसिलिटीज एंड मेडिकल एंड हेल्थ एंड एडवेंचर एंड गुड लाइफस्टाइल एंड गुड अकोमोडेशन, पावर, ऑल दोज थिंग्स आर देयर, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व फॉर द कंट्री, टू सर्व फॉर द नेशन। बहुत बड़ा काम है, और इतनी छोटी उम्र में आप समझिए जो भी आज सर्विस चीफ हैं, दे ऑल ज्वाइंट थ्रू एनडीए। 16 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, तब तो पहले और भी कम होता था, 10th और 11th क्लास के बाद होता था। तो 10th, 11th, 12th, 14, 15, 16, जिस भी एज में आपने ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद में अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप चीफ तक जा सकते हो। एनडीए का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो चलो अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें। अब आप देखिए, एनडीए के लिए पेरेंट्स को भी ये ध्यान देना चाहिए कि छोटेपन से, छोटी क्लासेस से बच्चे को स्टेज पर लेकर आए, टीचर से रिक्वेस्ट करें। और स्कूल में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, फिर कुछ कैंडिडेट्स ने पूछा है कि 11 से एनडीए की प्रिपरेशन कैसे करें। मैं कहता हूँ 11 से क्यों, आप 5th, 6th से क्यों नहीं करो। देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका स्टेज फियर, पब्लिक के सामने खड़ा होना, कॉन्फिडेंटली बोलना, कुछ लोगों को नेचुरली आ जाता है और कुछ लोगों को बड़ा टाइम लगता है। बहुत झिझक होती है, बहुत शर्म महसूस होती है, डर लगता है स्टेज पर आने में। तो स्कूल में जो भी अपॉर्चुनिटी जिस भी क्लास से मिले, कुछ स्कूलों में तो छोटी क्लासेस से, पहली दूसरी क्लास से बच्चे स्टेज पर आने लग जाते हैं, कविता बोलेंगे, पोएम बोलेंगे, कुछ भी हेडलाइंस ऑफ द डे बोलेंगे। तो ये कोशिश आप करो कि स्टेज पर जब भी आने का मौका मिले जल्दी से जल्दी आओ। अब अगर आप नहीं आ पाए, पहली दूसरी 5th, 5th, 6th, 7th, 8th में भी नहीं आ पाए, नहीं ध्यान दिया, 9th, 10th में कोशिश कर लो, तब तो मैच्योरिटी आने लगती है, तब से आना शुरू कर लो। चलो 9th, 10th भी निकल गया, अब आ गया 11th, लास्ट स्टेज है। 11th थोड़ा सा रिलैक्सिंग होता है आपको स्टडीज़ की तरफ से, तो उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, गेम्स, स्पोर्ट्स और पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ज़रूर लीजिए आप। एसएसबी में जो आपको देखा जाता है कि What achievements you have made during the last 15-16 years of your life? Parents opinion क्यों लेते हैं? Parents आपको responsible समझते हैं कि नहीं समझते हैं? कुछ भी लिख के आने से नहीं होता है, जो सही है बात है वही आप लिखोगे। कितना responsible समझते हैं parents आपको, teachers कितना responsible समझते हैं, और अगर उतने responsible आप हो तो फिर आपको क्या पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या अपॉइंटमेंट दिया गया, क्लास मॉनिटर, प्रिफेक्ट, गेम्स कैप्टन, वाइस कैप्टन, हाउस कैप्टन, स्कूल कैप्टन, कोई और
पीटी या कोई भी अपॉइंटमेंट आपको क्या मिला, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके टीचर्स ने आपको इस लायक समझा कि उतने बड़े ग्रुप में, जो भी आपका 50-60-100 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उतने बड़े ग्रुप में आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, तो लीडरशिप आप शुरू से दिखा रहे हो। कोशिश करो, मैं SSB की बात कर रहा हूँ, रिटर्न तो आप अपनी प्रिपरेशन करोगे करोगे, रिटर्न क्लियर करने के बाद SSB जब फेस करना पड़ेगा तो यू कांट टर्न द क्लॉक बैक। आप पीछे नहीं जा सकते कि मैं अभी क्लास 8 में आ जाऊँ और मैं 3-4 साल पब्लिक स्पीकिंग लेक्चरेट और पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, पार्टिसिपेशन इन एथलेटिक्स, इंटर स्कूल इंटर हाउस कॉम्पिटिशंस, NCC अगर है तो ये सब आपको पहले से करना है, और जितनी जल्दी कर सकते हो छोटी क्लासेस से शुरू कर सकते हो। आप अगर नहीं कर पाए, आपका छोटा बहन या भाई है, उसको इनकरेज करो कि छोटी क्लास से पार्टिसिपेशन शुरू करें, स्टेज पर आना शुरू करें और पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें। घर के काम, छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ उठाइए, वॉलंटियर बनिए, जिनसे ज़्यादातर बच्चे कि मैं अब तो पढ़ रहा हूँ, पढ़ाई में बिजी हूँ, मम्मी पापा भी कह देते हैं कि अरे तुम छोड़ो पढ़ाई करो अपनी, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना शुरू करो। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तभी कुछ सीखोगे। तो SSB की प्रिपरेशन में दूसरी चीज़ आती है, एक तो ये आपका पास रिकॉर्ड हो गया और कॉन्फिडेंस इन पब्लिक स्पीकिंग कमिंग ऑन द स्टेज लेक्चर इट। दूसरी चीज़ होती है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स अवेयरनेस, पूरा आपका सोशल स्टडीज़ जो पढ़ाया जा रहा है 9th 10th में आपको पता होना चाहिए, हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, वर्ल्ड मैप, इंडिया के मैप, स्टेट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कहाँ क्या होता है, कितनी पॉपुलेशन है, तो ये जो भी आपको सोशल में पढ़ाया जा रहा है 9th 10th में, तब सोचते हो कि अरे सोशल तो बस किसी तरह पीछे छूटे, ये क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए आपको। फिर पेपर पढ़ना शुरू करिए, GK एंड करंट अफेयर्स की तैयारी करिए। छोटी छोटी बात है, जो क्वेश्चन जो चीज़ नहीं समझ आती आप अपने पेरेंट्स से या टीचर से या बड़े भाई से पूछिए, तो एक बैकग्राउंड नॉलेज आपकी बनती चली जाएगी। GK करंट अफेयर्स जितना कर सकते हो, इंडिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, तो ये प्रिपरेशन भी आप पहले से तैयारी शुरू कर सकते हो। और जो मैंने बताया लेक्चरेट, बोलना, पब्लिक स्पीकिंग, ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन, आपस में बात करते हो किसी टॉपिक के ऊपर, ग्रुप डिस्कशन शुरू करो। और पहले से अगर नहीं करा है तो अब करो, अब देर मत करो। जिस भी क्लास में आप हो, 10th 11th 12th जिसमें भी हो, तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो, कॉन्फिडेंस लेकर आओ, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, और अपने जो फ्रेंड्स के साथ में हैं उनमें आप अपनी जो बात करो तो देखो कि आपकी बात वो लोग मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि नहीं समझते हैं, आप उनको कन्विंस कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ये भी एक ज़रूरी एस्पेक्ट है। दूसरे, किसी भी आप अपने बड़े को बोलो किसी भी टॉपिक पर आपसे क्वेश्चन पूछे और आप कॉन्फिडेंटली उनके जवाब दो, तो यहाँ थोड़ी सी आपकी इंटरव्यू की प्रैक्टिस होगी। इसके बाद में फिजिकल एस्पेक्ट्स में आप योगा, प्राणायाम जो भी करते हो, एक्सरसाइज करते हो, रनिंग जरूर करो, फास्ट रनिंग करो, रनिंग का डिस्टेंस बढ़ाओ, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 4 5 जितना भी आप दौड़ सकते हो, फिजिकल स्टेमिना अपना बिल्डअप करो, और बैलेंसिंग वगैरह है, आप केवल फिजिकल स्टेमिना भी अगर बिल्डअप कर लोगे तो उतना भी काफ़ी है आपके लिए सक्सेस लाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़े से लाइफस्टाइल चेंजेस लाने पड़ेंगे, रूटीन बनाओ, कोई काम को टालो मत, जो काम हाथ में लो उसको कंप्लीट करो, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो, और दूसरों की मदद करो, दूसरों के बारे में अच्छी ओपिनियन रखो, तारीफ़ करो, प्रेस करो, क्रिटिसाइज मत करो, कमियां
ढूंढ के मत निकालो। ये सब बातें आप जितनी जल्दी आप शुरू कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा और उतनी चांसेस आपके बढ़ जाएंगे SSB में आपके सिलेक्शन होने के। बाकी प्रिपरेशन तो आप बाद में करोगे, लेकिन ये बैकग्राउंड आपका बिल्डअप कर देगा और इसका बहुत एडवांटेज आपको NDA का जब आपका SSB आएगा उस समय बहुत एडवांटेज मिलेगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, इट इज़ नेवर टू लेट, स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे। आज से शुरू करो, जिस भी क्लास में आप आ गए हो आज से शुरू करो और सक्सेस विल बी योर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड एज येट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।